जी वेलकम टू माय चैनल आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ याथ्रोनोपी की और यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है क्या प्रोसीजर है और जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उनको एडमिशन मिल जाएगा कैसे मिलेगा इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडिया से स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ हो रहे थे मुझसे कि आप जो है वो हमें मैंशन नहीं कर तो आप प्लीज़ नाराज मत हों मैं आपको वीडियोस में मेंशन में किया करूँगी और ये वीडियोस आपके लिए भी हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ़ और इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कौन कौन -कोर से कोर्सेज़ यहाँ पर जो है वो ऑफ़र करिए कि यूनीवर्सिटी और इसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊँगी तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपने सेम उसी तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है जैसे हमने नैपलिस यूनिवर्सिटी को फॉलो किया था तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोर्सेज़ देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्सेज़ ऑफ़र करिए उनको पहले चेक कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है हम हाँ इसकी फ़र्दर कैटेगरीज में जाएंगे कैसे अप्लाई करना है वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी तो सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी ये यूनिवर्सिटी मास्टर और बैचलर दोनों के लिए जो है वो ऑफर करी है तो यहाँ पर जो फैशन आर्ट्स फूड मैनेजमेंट इसके अलावा जो है मार्केटिंग इंटरनेशनल मैनेजमेंट इसके बाद अप्लाइड कंप्यूटर साइंसेस और इसके अलावा जो तो हम कोर्सेज़ को देख लेते हैं कौन से इंग्लिश में ऑफ़र करिए जा रहे हैं और कौन से इटालियन में तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है सीधा ऑल कोर्सेज़ और इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपके कौन से कोर्सेज़ हैं तो यहाँ पर जहाँ पर इटालियन फ्लैग है यहाँ पर ये इटालियन कोर्सेज़ है और प्लस जहाँ पर इटालियन प्लस इंग्लिश कोर्सेज़ जो शो हो रहे हैं यहाँ पर पार्शली इटालियन में होंगे और पार्शली जो है वो इंग्लिश में होंगे इसके अलावा जहाँ पर आपको इंग्लिश का एक नज़र आ रहा है ये वो कोर्सेज़ आपको इंग्लिश में ऑफ़र किए जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मास्टर डिग्री इन फैशन आर्ट्स एंड फूड मैनेजमेंट ये इंग्लिश में है इसके अलावा मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ये भी इंग्लिश में है इसके अलावा हम देख लेते हैं को ओपन करके देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो इंग्लिश में है तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट करती हूँ कंप्यूटर अप्लाइड कंप्यूटिंग का ठीक है यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पर और इसको चेक कर लेते हैं कि ये इंग्लिश में ऑफ़र हैं कि नहीं करे तो आपने यहाँ पर यहाँ पर मैं क्लिक किया है और इसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है और ये देखें यहाँ पर जो है ये कोर्स लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है तो यहाँ पर आप जो है वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो है वो कोई इशू नहीं होगा मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो मुझे डी एम बी करते हैं उन्होंने जी किया हुआ इटालियन कोर्सेज़ जो न्यू स्टूडेंट कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है और उनकी एडमिशन तो हो गया लेकिन एडमिशन के बाद उनसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है वो इटालियन बी टू जो सर्टिफिकेट जो है वो उनसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है तो आप अपने कोर्स करते वक्त लैंग्वेज को ज़रूर चेक किया करें और उसके बाद आप जो है वो अप्लाई किया करें तो इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ाइव एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इसकी जो डेडलाइन है वो अभी तक कोई मेंशन नहीं की इन लोगों ने यहाँ पर एडमिशन आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताती चलूँ और यहाँ पर देखिए मैं आपको इस यूनिवर्सिटी को मैंने ई किया था और यहाँ पर मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है तो उन्होंने मुझे ये ई में बताया है कि आपने हमें ई करके सारे जो को डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके नहीं भेजने आपने जाकर डायरेक्ट जो है वो हमें आपने प्री इंटरमेंट करनी है और उसके बाद हमें जो है वो आप कांटेक्ट करेंगे ईमेल करेंगे उसके बाद वो आपकी इंटरमेंट की ई करेंगे अगर आपका आ, जो कोर्सेज़ हैं वो इसमें अवेलेबल हैं और आपका जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी से मीट करता है तो इन थ्री वीक्स के अंदर आपको एडमिशन ई मेल आ जाएगी अदरवाइज़ आपको रिजेक्शन जो भी है लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है यहाँ पर किसी को रिजेक्शन नहीं आती तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे जो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि समीश्रदेडेमिकयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्लोज़ हो चुकी है और अब आपने जो है वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फ़ाइव की जो है वो आपने इनरोलमेंट करनी है सारा प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने जो है वो सबसे पहले प्री इंस्टॉलमेंट करनी है और उसके बाद हमें ई मेल कीजिएगा अगर आपने डायरेक्ट हमें ई मेल की और उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच किए तो वो हमने जो है वो कंसिडर नहीं करनी एप्लीकेशन तो आप जस्ट जो है वो प्री इंटॉलमेंट करें वो स्टूडेंट जिन्होंने जिनको एडमिशन कहीं से नहीं मिला तो वो आपने यहाँ पर जाकर प्री इंटॉलमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिएगा आपने प्री एटोर्नमेंट कर है और उसके बाद वो आपको फ़र्दर जो डिटेल्स होंगे वो बता देंगे इसमें आपको वही वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको पासपोर्ट सीवी सब कुछ आपने अपलोड करना है इसके अलावा बी टू वाले भी जो है वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास आइट्स है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर बैचलर मास्टर दोनों अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट को ये सवाल होता है कि सीमिया और जॉब में प्री इंरोमेंट करनी पड़ती है आपको जॉब और जो सीमिया होता है वो आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए चाहिए होता है कॉन्सूडेट को सीमिया चाहिए होता है जबकि आपकी जो डॉब होता है वो इमेसी आपको प्रोवाइड करती है और जब आपको इटली पहुँच जाते हैं तब आपको डॉब की ज़रूरत पड़ती है उससे पहले आपको नहीं पड़ती विदाउट डॉब और सीमिया जो है वो आप प्री कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ उससे यूनिवर्सिटी है वो आ, जो है वो सीमिया के साथ आपकी प्री इनरोमेंट को एक्सेप्ट करती है इसके अलावा अगर कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है यहाँ इस इस यूनिवर्सिटी का तो आप वहाँ से इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है बैंक स्टेटमेंट की है तो वो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं